नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। किसान आंदोलन के मद्देनजर पंजाब के कुछ हिस्सों में आज भी इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। वहीं हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहगढ़ और सिरसा जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में आज टोल फ्री करेंगे किसान। हर जिले में होगी ट्रैक्टर पैरेड। 18 फरवरी को किया जा सकता है बड़ा ऐलान। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय जोधपुर यात्रा पर रहेंगे, जहां वे जोधपुर एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ शामिल होंगे। इसके बाद वे जोधपुर संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और सरकार के कामकाज का रिव्यू लेंगे। बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल होंगी लालगंज की सांसद संगीता आजाद। पूर्वांचल में पड़ेगा बड़ा असर। संगीता के ससुर गांधी आजाद यहां का माना जाना नाम था। वे बसपा के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं। वहीं पति अभी बीएसपी में हैं, वे भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल बिहार के औरंगाबाद पहुंची, जहां बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यात्रा को संबोधित करते हुए शायराना अंदाज में कहा, हम नजर नहीं हैं, नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, वे हाथ जोड़कर बस्ती के लुटेरों की बात करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में अब गाजियाबाद में बन रहा है राम सेतु, जहां गाजियाबाद नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में एलिवेटेड रोड का नाम बदलने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा करेंगे, जहां वे शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन के क्षेत्र में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार से यूपी में एंट्री करेगी, जहां दोपहर 3 बजे यात्रा चंदौली में दाखिल होगी। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी के शामिल होने की संभावना है। शिवसेना शिंदे का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी महासम्मेलन आज और कल कोल्हापुर में होगा। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित पार्टी के विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। महासम्मेलन में पार्टी के संगठन और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को रूपरेखा दी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जहां भारत बंद को देश भर में समर्थन मिल रही है। वहीं पंजाब के किसानों ने ठाना है कि हर हाल में वे दिल्ली आएंगे, जबकि दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस ने पूरे शंभू बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज उत्तर प्रदेश आएंगे, जहां वे कानपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। रक्षा बलों ने गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के लालपोरा कुपवारा में एक स्थानीय आतंकी को गिरफ्तार किया। वह बीते कुछ समय से लश्कर से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने उसके पास से कई संदिग्ध सामान बरामद भी किया। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा के मुद्दे पर राजनीति घमासान बढ़ता ही जा रहा है, जहां बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री के शासन में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर हमला कर रही है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। एनसीपी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने अपने पिता की बनाई हुई पार्टी को छीनने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अदृश्य शक्ति पार्टी को उनके संस्थापक से छीनने का कृत्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि शरद पवार राकप्पा के संस्थापक हैं और रहेंगे। गुजरात लोकायुक्त ने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की छपाई केवल सरकारी प्रेस में कराने का सुझाव दिया, जिससे पर्चा लीक होने की स्थिति में जवाबदेही तय करना आसान होगा। राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बजरी और होटल कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकाने पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में ईडी ने मेघराज ग्रुप के सभी बैंक खातों को भी सीज कर दिया। विशेष गश्ती के क्रम में एक व्यक्ति पिंटू यादव पिता सालीग्राम यादव ग्राम बखरी थाना सौर बाजार जिला सहरसा को 11 बोतल कोडीन युक्त विस्कफ कफ सिरप एवं एक पल्सर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।
कांड दर्ज कर अग्रिम विधि सम्मन कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां जीरो माइल चौक पर पेट्रोल पंप के पास आरोपी पान के दुकान के आर में कफ सिरप का धंधा करता है। दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कार सहित 10 लाख रुपए नकदी लेकर फरार आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार, नकदी भी हुआ बरामद। एसआई राम अवतार मीना की टीम ने आरोपी को मुंडीला गांव थाना महाराजगंज जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश से अरेस्ट किया। किसानों के संघर्ष के बीच विपक्ष ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को घेरा, जहां अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू आदि ने भगवंत मान के वीडियो शेयर कर मांग की कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का बिल लाने में कौन रोक रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो मुख्यमंत्री के वीडियो शेयर करते हुए लिखा, होता चना बाजे घना। भारतीय किसान यूनियन चूर्णी की ओर से गुरुवार को बैठक बुलाई गई, जहां यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चूर्णी ने बताया कि आज शुक्रवार को ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल में उनकी यूनियन शामिल होगी। देहरादून शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और आमजनों की सुरक्षा के दृष्टिगत आज से घंटाघर और पैरेड ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र में बिना जीपीएस वाले यात्री वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा है कि यदि ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता और गवाह अपने कथन से पलट जाते हैं तो भी पुलिस की विवेचना और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध की जा सकती है। बेंच ने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पेश अपील पर सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणी करते हुए निचली अदालत के आदेश को यथावत रखा। गरीबी कोई अपराध नहीं है, जिसके पास कर्ज अदायगी के लिए आय का कोई स्रोत ना हो उसे जेल भेजा नहीं जा सकता है, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत के जेल भेजने के आदेश को निरस्त कर दिया। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वहीं चुनावी रणनीति और चुनावी प्रबंधन के माहिर माने जाने वाले हर्ष महाजन को इस समर में उतारकर अगले 12 दिनों तक वोटों के गणित को उलझा दिया है, क्योंकि बीजेपी के पास यहां से जीतने लायक वोट तो नहीं है, फिर भी गणित उलझ कर रह गया है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट करके साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।